नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। झारखंड का पलामू, जहां जमींदारी उत्पीड़न और उन्मूलन का स्पष्ट उदाहरण है, आज भी साफ दिखाई देता है। प्रकृति की गोद में बसा ये प्रमंडल अपने साथ कई शतकों पूर्व के इतिहास को संजोए हुए है, जिसका चित्रण कई बड़े इतिहासकार और फिल्म में भी किया गया है। आइए हम आज आपको लेकर चलते हैं झारखंड के बहुत बड़े पिकनिक स्थल केच की संगम, ओरंगा और कोयल नदी के संगम स्थल, जो अंग्रेजों के जमाने से ही प्रसिद्ध है। सत्यजीत रे की फिल्म और अरण्य दिन रात्रि की शूटिंग केचकी में ही की गई थी। देखिए पलामू से दिव्या भगत की पूरी रिपोर्ट। की संगम बेतला नेशनल पार्क में अंदर घुसने के 10 किलोमीटर के बाद आपको ये केचकी संगम दिखाई दे देगा। ये दो नदियों का मेल है और उससे बहुत ही बड़ा आपको बालू का क्षेत्र बनाता है, बीच जैसा क्षेत्र बन जाता है। और ये दो नदियाँ हैं औरंगा और कोयल। औरंगा और कोयल दोनों मिल करके कोयल मुख्य नदी बनाती है। ये इधर से जो आ रही है औरंगा नदी है, ये औरंगा है, ये कोयल है, और दोनों मिल करके जाके कोयल नदी बनाती है। कोयल नदी मेल बोला जाता है उसको। और ये जाकर के उत्तरी कोयल जो है डाल्टनगंज शहर का मुख्य नदी है। यहाँ पे किस चीज का मार्केट लगता है, बाजार लगता है? मार्केट नहीं लगता है, ये मुख्य पिकनिक स्पॉट है। अच्छा, पिकनिक स्पॉट। हाँ, यहाँ पे वो पूरा जो बालू का आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा पिकनिक का जगह रहता है। ये इसका केचकी का रेस्ट हाउस है। ये बहुत ही मैंने ये भी ऐतिहासिक बोल ही लीजिए, 100 साल का इसका भी इतिहास है। अंग्रेजों के ज़माने से ये बनाया हुआ है केचकी का ये रेस्ट हाउस। और इसमें बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग भी आकर के अपना शोध का काम, कभी फिल्म बनाने का काम कर चुके हैं। सत्यजीत रे इसी मतलब बिल्डिंग पर फिल्म का चित्रण किए थे अरण्य दिन रात्रि, और ये इसी बिल्डिंग्स में बनाया है ये फिल्म। और फिर महाशता देवी आकर के यहाँ पे जब रिसर्च कर रही थी तब इसी बिल्डिंग में रही थी, इसी रेस्ट हाउस में। महाशता देवी का क्या इतिहास है? महाशता देवी भारतीय साहित्य की बहुत ही ज़्यादा बड़ी शख्सियत है, और 1084 की माँ लक्ष्मीबाई का जीवन पर उनका जो वो जीवनी लिखना, फिर झारखंड में बिरसा मुंडा के ऊपर जीवनी लिखना, और ऐसे करके जंगल के दावेदार जैसे किताबें उनके नाम सुपुत है। और ये महान नॉवेल है, महान साहित्य वो जो उन्होंने दिया है भारत को। और इसमें भारत के गरीब मजलूम की कहानी है, उत्पीड़न की कहानियां हैं, और उसके बाद संघर्ष की कहानियां भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो महिलाओं के मतलब शक्ति स्रोत है और एक मिसाल के तौर पर माना जाता है, उनकी कहानी को कवर करना। और महाशक्ति देवी अपने आप में उनका जीवन भी एक मिसाल है, और शुरुआत से ही सादा जीवन जीना और गरीबों के बीच में रह के काम करना, उनके दुख सुख में उनके साथ रहना, वो उनका व्यक्तित्व था महाशक्ति देवी का। और ऐसा व्यक्तित्व पलामू में रहा और कई दिनों तक रहे, और यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर ऐसे लिख के गई, यहाँ तक कि पलामू में जब फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।